आइए. सो लास्ट क्लास हम लोग देखा कि हाउ डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली ऑपरेट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम. पहले सारा ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर लेजर बनाया, हर आइटम्स का समराइज बैलेंस निकाला. देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. अगर ट्रायल बैलेंस टैली करता है, मतलब पार्शियल ओमिशन नहीं है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है. अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है फिर भी एक टाइप का एरर हो जाएगा, बोलो कौन सा? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. वेरी गुड, हो गया. सो मेरा पार्शियल ओमिशन नहीं है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली किया है. टैली करने के बावजूद भी एक टाइप का गलती रह जाता है डिटेक्ट करना, दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो वो भी नहीं है. फिर सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हुआ उसका समरी बना लिए, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है. उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इवेंट्स, मतलब रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम्स ऐसे होते हैं जो एंड ऑफ द ईयर पता चलता है, उनको फाइंड आउट करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, उनको मैं इकट्ठा लिखूंगा एक जगह. उसी को आप लोग के एग्जाम में क्या बोला जाता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट. सो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सारे आइटम्स हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सारे आइटम्स है वो क्या है? रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स की अनरिकॉर्डेड, नीचे जो दिए हुए हैं वो अनरिकॉर्डेड. तो रिकॉर्डेड वाले को जब मैं फाइनल अकाउंट में बैठाऊंगा तो कितनी जाया जाएगा? रिकॉर्डेड वाला को एक बार, अनरिकॉर्डेड वाला दो बार. तो वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको लास्ट क्लास दिखाया था, वैसा ही एक सम आज हम लोग और लेंगे, पूरा प्रोसेस अगेन मैं दिखाऊंगा, राइट. यही तो अकाउंटिंग है, अपने को अल्टीमेटली बनाना क्या है? पीएल बैलेंस शीट. तो उसका तरीका मालूम होना चाहिए, तो वो तरीका आज हम लोग फिर से एक बार सीखेंगे, राइट. तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो मैंने आपको दिया है, कंप्यूटर पॉइंट बोल के एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए उसको आप लोग. कंप्यूटर पॉइंट बोल के एग्जाम्पल है, पढ़िए उसको अच्छे से. पीटर कमेंस बिजनेस इन द कंप्यूटर मर्चेंट ट्रेडिंग अंडर नेम ऑफ कंप्यूटर पॉइंट. तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करेंगे? कंप्यूटर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यस और नो? हाँ बोलो. जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कंप्यूटर पॉइंट के? तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंप्यूटर पॉइंट. जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. हम लोग बताए ना, ओनर एंड इट्स बिजनेस आर सेपरेट, खाली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. आइए सबसे पहला, और हमने जनरल रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले क्या बोला था? रिसीव को क्या कर देंगे? डेबिट. और गिविंग को whatever we have received, debit. Whatever we have given, credit. अगर हमको कुछ मिला नहीं है, मिलेगा तो किसको डेबिट करेंगे? जिससे मिलेगा, रिसीवर, जो अभी रिसीव किया है उससे मिलेगा ना. और अगर हमने कुछ दिया नहीं है तो हमको देना है कि नहीं देना? देना है, तो जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे, राइट. सिंपल लॉजिक है. तो हमने आपको लास्ट क्लास रूल्स भी बताया था, राइट. बेसिकली हमने जो आपको रूल लिखाया था वो एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ, दैट इज व्हाट, अ ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल ही था. एक बार राइट. right.
तो पढ़ लिया आप लोग, अब पढ़ लो। जनवरी का है, जनवरी फर्स्ट। मिस्टर पीटर कमेंसेस बिजनेस कंप्यूटर मर्चेंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंप्यूटर पॉइंट 400,000 रुपए कैपिटल लेके आया है। सो बिजनेस, बिजनेस का इनफ्लो आउटफ्लो देखेंगे ना, बिजनेस में क्या आया है? कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 400,000, बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है। क्या बिजनेस से बदले में कुछ दिया है? नहीं दिया ना। तो अगर हम कुछ नहीं दिए हैं तो हम क्या खोजेंगे? सप्लायर। तो ये कैश का सप्लायर कौन है? ओनर। उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो अपने क्या करेंगे? टू कैपिटल। ये हमारा लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन। क्या? ऑब्लिगेशन, राइट। जो भी हमको मिला है डेबिट, वॉट एवर आई हैव गिवन क्रेडिट, सिंपल। जो आएगा प्लस, जो जाएगा माइनस। अगर हमने कुछ नहीं दिया है, अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो इन दैट केस सप्लायर खोजेंगे, और अगर हमको कुछ नहीं मिला है तो इन दैट केस जिससे लेना है उसको डेबिट करेंगे, राइट। यहां पे सप्लायर को देना है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ना, ऑब्लिगेशन चुकाना है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, 3 तारीख ही बाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिंदुस्तान कंप्यूटर 10 कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर हमारे लिए यहां पे एसेट होगा कि गुड्स? गुड्स होगा ना, बिकॉज गुड्स का डेफिनेशन हमने आपको बताया लास्ट क्लास, जिसको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। तो कंप्यूटर मर्चेंट टू मतलब मैंने कंप्यूटर खरीदा रीसेल के लिए, तो हमारे लिए गुड्स, तो हमको रिसीव क्या हुआ है? गुड्स। तो हम लोग उसको क्या बोल के लिखेंगे? परचेज। 10 कंप्यूटर 30,000 करके 3,00,000। हमने कुछ दिया है क्या? हमने कुछ दिया है तो इन दैट केस आई विल लुक फॉर सप्लायर। सप्लायर कौन है? हिंदुस्तान कंप्यूटर। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो सप्लायर खोजो, क्योंकि उसको हमको देना पड़ेगा ना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, हमको बिल मिला जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो समझ में आ रहा है जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का यहां पे रोल क्या है? उसने ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया है? ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसको अपने कैरेज बोलते हैं। गुड्स हमने बैंगलोर से मंगाया था कंप्यूटर, तो वहां से आने का भाड़ा लगा है। कितना तारीख को? 15 तारीख को। तो हमको क्या रिसीव हुआ है? सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। उसको अपने क्या बोलेंगे? कैरेज। और ये परचेज से रिलेटेड है, तो इसको अपने कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, राइट। कितना? 5,000। पैसा दे दिया क्या? तो इन दैट केस अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो आई विल लुक फॉर, हु इज द सप्लायर? जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अगर नाम नहीं देता ना, जैसे हिंदुस्तान कंप्यूटर में अगर नाम नहीं देता तो अपने लिखते क्रेडिटर्स। क्या लिखते? क्रेडिटर्स। और जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अगर नाम नहीं देता तो लिखते आउटस्टैंडिंग कैरेज। क्या लिखते? समझ में आ रहा है? नाम दे दिया तो नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। नरेशन नहीं दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट, हमने बैंक अकाउंट रिस खोला है 3,50,000 से, तो बोलो एंट्री क्या होगा? बैंक में मेरा पैसा आ रहा है और कैश से जा रहा है, सो एक जगह रिसीव हुआ है, दूसरी जगह से चला गया। नेक्स्ट, हमने बेचा है, तो अगर हमने बेचा है तो हमको कुछ रिसीव हुआ है कि होगा? होगा। किससे? एबीसी कंप्यूटर से, तो उसको डेबिट कर देंगे। मिला नहीं है, मिलेगा। किससे? जिससे मिलेगा उसको डेबिट करो। जिसको देना है उसको क्रेडिट करते, तो जिससे मिलेगा उसको? 6 कंप्यूटर 35,000 करके 2,10,000। क्या दिया है जो मिलेगा? गुड्स। तब ना मिलेगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? सेल्स। कितना? 2,10,000, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट,
He pays by check the amount for carriage. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं. तो पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट हो जाएगा. लास्ट क्लास बताया है तो जनता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अब डेबिट होगा. क्या दिया है? चेक. तो बैंक से पैसा चला जाएगा ना. ठीक है, सिंपल है. रूल लगाओ, एंट्री कर दो. नेक्स्ट, 2 लाख रुपए एबीसी कंप्यूटर से मिला है. कितना तारीख को? 31 तारीख को. तो लेना कितना है? 2 10 मिला 2 लाख रुपया है. तो लिखा है क्या फुल सेटलमेंट? तो बाकी 10,000 कौन बोला? बाकी 10,000 रह जाएगा, बाद में देगा. यस और नो? बैलेंस रह जाएगा ना. 2,10,000 टोटल लेना है, लेकिन दिया कितना वो हमको? लिखा है क्या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? नहीं ना. तो जितना मिला उतने से ही डेटर को भी कम करेंगे, राइट? यस और नो? तो मिला कितना? तो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख मिला, और एबीसी कंप्यूटर को पहले हम डेबिट किया था, तो अब क्रेडिट करेगा कितना से? 2 लाख से ही. बीइंग इसका नरेशन होता है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट, पूरा पैसा मिलेगा बाद में. ठीक है ना. तो सिंपल जनरल एंट्रीज है, ज्यादा कुछ माथा फोड़ी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है ना. अच्छा चलो, अब नंबरिंग करो फटाफट. जनरल रिकॉर्ड करने का लोगों का अपना अपना तरीका होता है. हम तुम लोगों को क्या सिखाया? एसेट और एक्सपेंस डेबिट, इनकम लायबिलिटी क्रेडिट. एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो. समझ में आ गया मेरा बात? यही तुम लोगों को रूल में लिखाया है. तो जो तुम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल करता था उसी को तुम लोग एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कर लो, राइट? रूल लगाने का दरकार नहीं है. अगर कुछ रिसीव हुआ है तो उसको डेबिट कर दो. रिसीव होना है तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो. अगर कुछ दिया है तो उसको क्रेडिट कर दो, नहीं तो जिसको देना है उसको क्रेडिट कर दो. ठीक है, बाद में देंगे तो उसको डेबिट करके जो दिया वो क्रेडिट कर देंगे. खाली रिसीविंग गिविंग दिखाना, इतना क्लासिफिकेशन का दरकार ही नहीं है. बाद में फिर दिमाग लगाना कि ये एसेट है कि एक्चुअल में एक्सपेंस है. अगर बेनिफिट 1 साल नहीं, अगले साल तक. समझ गया ना मेरा बात? सिंपल चीज है. आओ, इज दैट फाइन? तो अभी अपने को क्या नंबरिंग करना है? 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1 8 फिर 9. जनता का ऑलरेडी 6 नंबर हो चुका है, बैंक का 7 नंबर हो चुका है, कैश का 1 नंबर, एबीसी का 8 नंबर. तो टोटल में आपको नोट हो लेजर अकाउंट बनाना है. हाँ या ना? हाँ, लेजर में पोस्ट करेंगे हर ट्रांजैक्शन. कितनी बार पोस्ट होगा? 2 बार. कैश डेबिट है तो कैश के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा. कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट में ही जाएगा. समझ में आ रहा है? कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में. समझ में आ गया? बिल्कुल बराबर है. हाँ, जो जैसा देगा उसका लेजर में वैसे ही पोस्टिंग जाएगा. अच्छा, डेबिट साइड अगर हाई है, बैलेंस निकालते वक्त डेबिट साइड अगर हाई है तो बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट साइड अगर मान लो कैश अकाउंट का डेबिट साइड हाई है तो कैश का डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा? डेबिट ही आएगा. लिखते अपने क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके, बट अल्टीमेटली ब्रॉट डाउन करेंगे. इज दैट फाइन? हाँ. तो ये हम लोग नौ लेजर अकाउंट बना के बैलेंस निकाल चुका है, घर में मन में हम लोग निकाल चुका है. अब हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में बैठा देंगे सीधा. इज दैट फाइन? हाँ. लेजर बनाने का प्रयास हम नहीं करेंगे, बरोबर है? हटा दें इसको. अच्छा आइए देख लो.
तो हम लोग बनाएंगे कंप्यूटर पॉइंट का ट्रायल बैलेंस नहीं, एग्जाम में तुमको ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। ये तुम लोग सीख रहे बोल के हम तुम लोग को पूरा सीख सिखा रहे हैं। एक है आपका कैश अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट, यू हैव परचेज अकाउंट, देन यू हैव हिंदुस्तान कंप्यूटर अकाउंट, देन यू हैव कैरेज इनवर्ड। अच्छा, जनता में कोई बैलेंस नहीं आएगा। ये नंबर और वो नंबर अलग है, समझ गया ना? वो लेजर का नंबर्स है, ये नॉर्मल 1 2 3 फॉर काउंटिंग वाला नंबर है, राइट? अच्छा, कैरेज जनता ट्रांसपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस लिख लो भी तो भी बैलेंस जीरो आएगा, समझा ना? जनता ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि लाइबिलिटी था पे कर दिया। देन यू हैव बैंक, देन यू हैव एबीसी कंप्यूटर्स, देन यू हैव सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? इज इट फाइन? समझ में आया सबको? ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है ध्यान से देखो। सबका बैलेंसेस लिख देंगे ना हम लोग। आइए, कैश ध्यान से देखना। मनी मन हम कैश का फटाफट अकाउंट बना लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ था, उसके बाद कैश क्रेडिट हुआ था, उसके बाद वापस से कैश डेबिट हुआ था, राइट? तो तीन ही ट्रांजैक्शन है कैश वाला। पहले कैपिटल वाला, फिर बैंक में जमा किया, फिर डेटर से मिला। तो कैरी डाउन कितना आएगा? 2.5 लाख। इसको फिर ब्रॉड डाउन करेंगे, 2.5 लाख। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग को सारा लेजर अकाउंट्स बना लेना है, राइट? कैपिटल में तो एक ही चीज है, 4 लाख। इसमें एक ही चीज है, 3 लाख। इसमें एक ही चीज है, 3 लाख। इसमें 5,000। बैंक में आएगा 345। एबीसी में आएगा 10। सेल में आएगा 210। टोटल आएगा 9,10,000। 9,10,000। बैंक में 350 था, जनता वाला का पेमेंट हो गया। ठीक है, इन सबको क्या बोलता है हम लोग? एक सेकेंड, रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स, यस और नो? ये सब कुछ क्या है हमारा? रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम। अब हमको क्या निकालना है? इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है?
results of क्या निकालना है बोलिए हमको इवेंट्स निकालना है रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आई विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर यस और नो बताइए सबसे पहला इवेंट क्या है क्लोजिंग स्टॉक कितना खरीदा था कितना स्टॉक खरीदा था 10 बेचा कितना 6 यस और नो बेचा कितना 6 तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएगा हाँ कितना दिखाएगा 4 दिखाएगा ना तो अभी हम लोग को निकालना है इवेंट्स दैट इज रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में 4 पीस लेकिन अपने को तो अमाउंट से मतलब है एक एक पीस का दाम कितना है कितना 30,000 इंटू 4 प्लस क्या होगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज तो कैरेज वाला एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड है ना परचेज रिलेटेड है तो 5,000 का जो कैरेज का खर्चा लगा वो कितना पीस से रिलेटेड है 10 पीस से तो इनटू कितना पीस होगा 4 पीस तो 1,20,000 तो ये और कैरेज कितना आ रहा है 2,000 तो कितना आएगा 1,22,000 हाँ या ना समझ में आ रहा है ना मेरा बात हाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते वक्त क्या क्या लेंगे परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज जो परचेज से रिलेटेड खर्चा है वो सब प्रोपोर्शनेट ले लेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है कैरी फॉरवर्ड होगा तो परचेज प्राइस कैरी फॉरवर्ड होगा तो उससे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा राइट तभी ना मैचिंग हो पाएगा परफेक्ट नहीं तो क्या होगा रेवेन्यू होगा 6 का परचेज होगा 6 का लेकिन कैरेज होगा 10 का तो कैरेज को भी प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके ट्रांसफर कर देंगे इज दैट फाइन और कोई इवेंट है क्या बताओ तो कहां है डेप्रिसिएशन इस समय एक क्लोजिंग स्टॉक है डेटर तो दिया हुआ है एबीसी तो ट्रायल बैलेंस में दिख ही रहा है वेरी गुड नेट प्रॉफिट नेट लॉस और कोई इवेंट नहीं है हमारे एग्जाम में नेट प्रॉफिट नेट लॉस समझ में आ रहा है हाँ अब अपना पर ट्रायल बैलेंस में क्या है ये सब ट्रायल बैलेंस वाला क्या है रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ये सब नोन है और ये क्या है अनरिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स क्यों अनरिकॉर्डेड है ये क्यों साल का बाद में पता चलेगा पहले आप चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और वगैरह कुछ नहीं है तो फाइनल अकाउंट में ये कितनी जगह आएगा वन प्लेस और ये टू प्लेस समझ में आ रहा है ठीक है तो अब हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं उसका समरी बना चुके हैं इवेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं एक बार हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपने को पता है मोटा मोटी कौन सा एसेट है बट फिर भी एक बार लिख लेना बेटर होगा राइट आइए आप लोग ही बताइए कैश क्या होता है एसेट कैपिटल पैसा चुकाना है सप्लायर परचेज एक्सपेंस हिंदुस्तान कंप्यूटर लाइबिलिटी क्रेडिटर है कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस
जनता ट्रांसपोर्ट तो बैलेंस है ही नहीं, लाइबिलिटी था वैसे। बैंक एसेट, एबीसी एसेट, सेल्स इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, ठीक है, और नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होगा। इज इट फाइन? क्या चीज बेटा, 10,000 तो आ गया ना, वो तो ट्रांजैक्शन का समरी है, वो तो रिकॉर्डेड है, देखो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, 10,000 रुपए डेटर से लेना बाकी है। ऐसा बात करो जो नहीं दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। ये तो 10,000 जो बाकी है तो ड्यूरिंग द ईयर तुमको पता चली गया था, इसके लिए थोड़ी ईयर एंड का वेट करना पड़ा। 2-10 का माल बेचा था, 2,00,000 रुपया दिया था, तो 10,000 बैलेंस तो तुमको ड्यूरिंग द ईयर पता ही चल गया। ये थोड़ी इवेंट्स में आएगा, इवेंट्स में वो आएगा जो तुमको एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा, जिसका तुमको थोड़ा सा भी भनक नहीं था, मतलब भनक इन द सेंस यू डोंट नो इट ड्यूरिंग द ईयर, यू कैन नॉट फाइंड इट आउट ड्यूरिंग द ईयर, राइट, उनको इवेंट्स बोला। ये सब तो आप ड्यूरिंग द ईयर आपका ट्रांजेक्शन हुआ, आप रिकॉर्ड किए, उसका समरी बनाए, डेटर बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस, टोटल परचेज, टोटल सेल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम, ये सब तो आपको पता है। उनका बात करो ना, कुछ कुछ फाइनेंशियल आइटम्स जो अभी तक पता ही नहीं है, 10 खरीदा 6 बेचा, 10 खरीदा तो 4 बज गया स्टॉक, उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, इतना सारा ट्रांजैक्शन किया, प्रॉफिट लॉस होगा कि नहीं होगा, तो वो सब चीज, राइट। और मेन मुद्दा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते वक्त प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज भी कैरी फॉरवर्ड होगा। इज दैट फाइन? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो एक बात बताना, तो हम लोग बना ले अब, ठीक है, चलो आओ पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। अभी मार्शलिंग नहीं सीखेंगे हम लोग, हाँ कंप्यूटर पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लाइन से बताते जाइए मुझको, फॉर्मेट रेडी कर लो। ठीक है, ध्यान दो, पीएल मतलब ट्रेडिंग पीएल सब यही है। सबसे पहला आइटम बोलो, कैश कहां जाएगा? एसेट कितना? 2,50,000। नेक्स्ट कहां जाएगा? कितना? नेक्स्ट कहां जाएगा? कितना? नेक्स्ट हिंदुस्तान कंप्यूटर तुम्हारा क्रेडिटर्स है, नेक्स्ट कैरेज कितना, एक्सपेंस है, कितना, 3,00,000,
45,000. नेक्स्ट एसेट है कितना? कितना? 2,10,000 हो गया. हाँ, और कुछ है? सारा आइटम बैठा दिया. अब ध्यान से बताओ, सेल्स कितना पीस का है? 6 पीस का. परचेस 10 पीस का. कैरेज 10 पीस का. मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? जितने का रेवेन्यू है उतने का ही, जितने का रेवेन्यू को इनकम बोलते हैं. जितने का इनकम है उतने का ही एक्सपेंस होना चाहिए. तो एक्सपेंस ज्यादा का दिखाया हुआ है ना, कैरी फॉरवर्ड करेंगे. एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या मानना? एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या मान रहे हो? वो ठीक है, एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे मैचिंग प्रिंसिपल के लिए. कैरी फॉरवर्ड करके क्या मानोगे उसको? एसेट. एसेट दिखाओगे ना, क्लोजिंग स्टॉक को एसेट दिखाएंगे. हम एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड कर, मतलब एक्सपेंस कम कर रहे हैं जिससे कि एक्सपेंस इनकम के साथ मैच हो जाए. फर्दर एसेट का मीनिंग होता है बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड. क्या क्या एसेट का बहुत सारा मतलब, कोई हक मेरा एसेट हो गया, बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला वो भी मेरे लिए एसेट हो गया, किसी से पैसा लेना है वो भी मेरा एसेट हो गया. राइट, यस और नो? एसेट मतलब एनीथिंग रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज. कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में है, हम उसको यूज कर रहे, हमारे लिए रिसोर्स है वो, तो रिसोर्स उसी को बोलेंगे ना जिससे हमको फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला है. समझ में आ रहा है? मेरे पास राख का ढेर पड़ा हुआ है, क्या मेरे लिए एसेट है वो? नहीं. समझ में आ रहा है? उसको तो फेंकना पड़ेगा हमको. एनीवे, सो ये हमारा एक्सपेंस है, परचेज और कैरेज. ये हमारा इनकम है. इनकम कितने पीस का दिखाया हुआ है? एक्सपेंस. तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ इनकम ऑफ द करेंट ईयर. ऑल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है ना, ये क्या है? हाँ, तो एक्सपेंस को इसके साथ क्या करना है? मैच करना है. मैच मतलब अमाउंट टैली कराना है कि यूनिट्स? यूनिट्स. ऐसा बहुत सारा खर्चा होगा जिसका सेल्स के साथ कोई नाता नहीं है, जैसे सैलरी, रेंट, इन सब का मैचिंग किसके साथ होगा? टाइम के साथ. वेरी गुड. डेप्रिसिएशन का मैचिंग? टाइम, क्योंकि एसेट से हम फायदा लेंगे 5 साल, तो जितना इस साल ले चुके उतना डेप्रिसिएशन, मैचिंग विद टाइम. समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमको बात बताओ, 10 पीस में से जैसे हम यहां पर दिखाएंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 4 पीस का, राइट, 1,22,000 द मोमेंट आई एम शोइंग इट. अब इफेक्टिवली परचेस कितने का आ गया? 6 पीस का. कैरेज, क्योंकि हम 4 पीस कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना, और कैरी फॉरवर्ड करके क्या दिखाएंगे इसको? बोलो, क्लोजिंग स्टॉक एसेट दिखाएंगे ना. है ना? इज इट फाइन? हाँ, हमको बता दो रेवेन्यू कितने पीस का है? 6 पीस का. खर्चा मैचिंग क्या बोलता है? खर्चा कितने का आना चाहिए? दिखाया हुआ कितना है? तो 4 पीस का कैरी फॉरवर्ड कर दिया. कैरी फॉरवर्ड किया तो इससे बेनिफिट तुमको मिल चुका, इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया कि नहीं मिला इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया? नहीं मिला. ये तुम्हारा पेट कब पालेगा? तो जो तुम्हारा पेट फ्यूचर में पालेगा वो आज के लिए तुम्हारे लिए क्या है, इसलिए एसेट में दिखा दिया. पहले कैरी फॉरवर्ड किया फिर एसेट में दिखा दिया. समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ या ना? हाँ, तो एग्जाम में ये पीस वीस तो दिखाना नहीं है हम लोग को, तो खाली समझाने के लिए बोला था. तो इसीलिए जो तुम लोग रटा है ना, तो उसमें तुम लोग मैचिंग प्रिंसिपल को भी रट लिया. समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या आएगा? नेट प्रॉफिट कितना?
27. ठीक है, ये नेट प्रॉफिट का असली हकदार कौन है? तो मालिक का कैपिटल में जोड़ दो प्लस प्रॉफिट चार लाख सत्ताईस हजार। कितना आ रहा है? 7 लाख। स्टेटमेंट है ये, तो खाली अरिथमेटिकल है क्या, और ऐसी चेक करने के लिए है। आज हर ट्रांजैक्शन का तुम प्लस माइनस दिखाया, वो सारा प्लस माइनस का तुम समरी बना रहा है, तो टोटल प्लस मस्ट बी इक्वल टू टोटल माइनस, तो ट्रायल बैलेंस वो तुमको चेक करके बताता है, क्योंकि तुम अलग अलग प्लस को अलग अलग माइनस को अलग अलग अकाउंट में पोस्ट किया है, तो किसी अकाउंट में प्लस आएगा किसी अकाउंट में माइनस आएगा तो बराबर होना चाहिए ना। तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि तुम पोस्टिंग ठीक किया है कि नहीं। तो एक स्टेटमेंट है, कागज का पन्ना में बनता है ये, कोई किताब नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है ये। क्या बैलेंस शीट तो कम्युनिकेट करना है ना अपने को, शेयर होल्डर को, यूजर को तो कम्युनिकेट करना है। फिर उस बैलेंस शीट को जब अगला साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ओपनिंग एंट्री पास करना पड़ता है, वो सब कराएंगे हम तुम लोगों को, राइट। जैसे तुम लेजर अकाउंट से तुम पीएल में डाल रही हो ना, लेजर अकाउंट से तुम परचेस कैरेज सेल पीएल में डाल रहे हो, तो उसको क्लोजिंग एंट्री के हिसाब से डालना पड़ता है, बताएंगे हम तुमको। और जब बैलेंस शीट को जब तुम अगला अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करोगे तो ओपनिंग एंट्री करना पड़ता है, ठीक है? समझ में आ गया मेरा बात? हाँ, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, सारा खर्चा को ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विथ, तो यहां पे लिखेंगे नोट, ऑल एक्सपेंसेस should be matched with income of current year. If expense has no relation with sales, then match with time, right? तुमको बताओ क्लोजिंग स्टॉक एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक अभी तुम्हारे बुक्स में क्या दिखाया हुआ है, कहां दिखाया हुआ? दिखाना है ना, क्लोजिंग स्टॉक अभी तुम्हारे बुक्स में क्या दिखाया हुआ? परचेज एक्सपेंस, उसी को तो कैरी फॉरवर्ड करके तुम स्टॉक दिखा रही हो ना। अभी तुम्हारा परचेस 10 पीस का है, इसी में से तुम 4 पीस कैरी फॉरवर्ड करके यू आर शोइंग इट एट स्टॉक, है ना? एंड जब तुम कैरी फॉरवर्ड कर रही हो तो मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो हो जा रहा है, खर्चा भी इनकम के साथ मैच हो जाता है, राइट? खर्चा भी इनकम के साथ मैच हो जा रहा है, राइट? सो हमको बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, हाँ या ना? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को एसेट दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक अभी बुक तुम्हारे बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? दिखाना है ना एसेट, अभी तुम्हारे बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? परचेस एक्सपेंस दिखाया हुआ है ना, उसी को कैरी फॉरवर्ड करके तो एसेट दिखा रहे हैं। अभी तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे बुक्स में परचेस में है ना, उसी को तो कैरी फॉरवर्ड करके एसेट दिखा रहे हो, कि अलग से दिखा रहे हो क्लोजिंग स्टॉक एसेट? हाँ, परचेस में इंक्लूडेड है, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक एसेट दिखाना है, उसको एसेट तभी दिखा पाएंगे जब उसको परचेस से हटाएंगे, तो इसलिए परचेस से लेस भी कर सकते हैं आप, उल्टा साइड में भी दिखा सकते हैं। इज दैट फाइन? हाँ, तो काफी सारा चीज से आप समझ सकते हैं चीजों को।
ठीक है, खर्चा कितने का आना चाहिए, जितना का रेवेन्यू है, इनकम है, तो इनकम 6 पीस का है तो खर्चा भी, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करके एसेट दिखा रहे हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट है कि एक्सपेंस, एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक किसमें इंक्लूडेड है, तो परचेस से हटा के फिर एसेट दिखाओ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से, और क्लोजिंग स्टॉक एसेट है वैसे भी समझ सकते हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हम लोगों का बेसिक एक और सम हुआ, राइट। अभी आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन और है, उसी में दिया हुआ है, दिखा जर्नल बना के लोग बैलेंसेस दे दिया है, जर्नल बना के लोग बैलेंसेस दे दिया है, और आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये लोग निकाल कर दे दिया है। जैसे क्वेश्चन में तो यही क्वेश्चन आएगा ना, या तो जर्नल से ट्रायल बैलेंस बनाने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से फाइनल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखो, इसमें बहुत सारा एंट्री हुआ होगा, जैसे क्या एंट्री हुआ होगा, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस, कैश विड्रॉन बाय द ओनर, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, द एक्सपेंसेस पेड, गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रेंट रिसीव, समझ में आ रहा है। तो काफी सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद में ये बैलेंसेस आया होगा, तो बैलेंस अपने को जर्नल नहीं बनाना, लेजर नहीं बनाना, सीधा क्या करना है हम लोग को, ट्रेडिंग पेल बैलेंस शीट बनाना है, राइट। चलिए बनाइए एग्जाम्पल 5, पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, सर यहां पे तो बोला नहीं है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, तो नेचर से पहचानेंगे। एक्सपेंस इनकम क्या होता है, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट, तो उस नेचर से पहचानना पड़ेगा, या तो बैलेंस देख के पहचान लेते कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, या नेचर से पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी, तो क्रेडिट में आएगा, बट ऑब्वियस है 2 लाख, नेचर में बिल्कुल क्लियर है ना, एसेट एक्सपेंस डेबिट में, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट में, कंफ्यूजन का कोई दोहराया ही नहीं है इसमें, ड्रॉइंग्स, कैपिटल जब लाइबिलिटी है तो ओनर अगर विड्रॉ करेगा तो क्या ट्रीटमेंट क्या होगा, बाद में बात करो, कैपिटल लाइबिलिटी है तो ड्रॉइंग्स क्या होगा, एसेट। अब बैलेंस शीट में एक ही आदमी का एसेट और लाइबिलिटी नहीं दिखाते, नेट करके दिखाएंगे, तो लाइबिलिटी बड़ा है बोल के कैपिटल को लाइबिलिटी से, कैपिटल को ड्रॉइंग से, मतलब ड्रॉइंग्स को कैपिटल से माइनस करके दिखाते, राइट, जो बड़ा होता है तो कैपिटल ही बड़ा होगा, हाँ एसेट है, एक्सपेंस तो होगा ही नहीं ना, पर्सनल है, और सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है, बिजनेस में वही खर्चा माना जाता है जो बिजनेस रिलेटेड होता है, ये तो पर्सनल रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, तो इसको खर्चा थोड़ी दिखाएंगे, इसको क्या बोल के दिखाएंगे, ड्रॉइंग्स। तो जब तुम कॉन्ट्रीब्यूट किया लाइबिलिटी बिजनेस का, जब तुम विड्रॉ करेगा तो बिजनेस का एसेट हो गया, तो अपने नेट करके दिखा देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, क्योंकि एक ही आदमी का लाइबिलिटी भी है, एक आदमी पे एसेट भी है, परचेस एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा 170, सेल्स 2 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये किससे रिलेटेड है, परचेस से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है सेल से रिलेटेड हो, चाहे ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो, तो ये दोनों ही एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न
जब परचेज एक्सपेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न, जब सेल्स इनकम क्रेडिट है तो सेल रिटर्न, उसके बाद कितना है? उसके बाद जर्नलिज्म एक टाइप का लाइबिलिटी है, राइट? हमने पैसे को साइड रखा है, कोई फ्यूचर में कोई हमारा कोई बड़ा काम आने वाला है उसमें हम यूज करेंगे, राइट? तो जर्नलिज्म एक टाइप का कैपिटल ही होता है, लाइबिलिटी, राइट? रेंट रिसीव इनकम हो गया, जर्नलिज्म एक टाइप का लाइबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट एसेट हो गया, कैसेट बैंक एसेट है, बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, हाँ ना? और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक टाइप का लोन हो गया, बैंक से कर्जा लिया हमने, बोलिए कितना आ रहा है? फोर लैख 95,000, 4,95,000, और सारा इवेंट ये लोग क्वेश्चन में दे दिया है, 1, 2, 3, 4 चार ठो है, सब ये लोग दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट? फटाफट हमको बता दीजिए, ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी कैपिटल, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिटर्न एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे, सेल रिटर्न इनकम डिक्रीज करें, रेंट रिसीव्ड, जनरल एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट, कैसेट बैंक, बैंक ओडी, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड, कैरी फॉरवर्ड होगा, बेनिफिट नहीं मिला, अगेन जैसे क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से कैरी फॉरवर्ड करते वैसे प्रीपेड एक्सपेंस को पर्टिकुलर एक्सपेंस से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक्रूड रेंट मतलब एसेट मतलब मिला नहीं है, इसका मीनिंग है इनकम अर्नड बट नॉट मिला नहीं, तो पैसा मिलना था वो भी नहीं दिखाया, तो वो दिखाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ नहीं था तो बना लिया,
अच्छा फिर से हमको बताओ, ये ट्रायल बैलेंस वाला रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स और ये सब अनरिकॉर्डेड। ठीक है, क्यों अनरिकॉर्डेड है? वेरी गुड, नोन एट ईयर एंड, सो नॉट रिकॉर्डेड येट, सो नॉट रिकॉर्डेड येट। ठीक है ना? हाँ चलो फटाफट बना लेते हम लोग, हटा दें। अभी मार्शलिंग फॉलो करने का दरकार नहीं, चीज सीखो पहले, कोई टू बाई लिखने का कोई दरकार नहीं है। ठीक है बोलो, कैपिटल होता है 2 लाख का लायबिलिटी, नेक्स्ट एसेट है लेकिन लायबिलिटी बड़ा है ना, तो यहां से लेस करके दिखा देंगे, कितना? 30,000। ठीक है नेक्स्ट बोलो, कितना है? 1,70,000। नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट 20,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1,60,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न तो यहां से लेस हो जाएगा, हाँ सेल्स रिटर्न सेल से लेस हो जाएगा, हाँ उसके बाद क्या है, क्या होगा? इनकम में रेंट रिसीव्ड कितना है? 5,000। उसके बाद नेक्स्ट बैंक कितना? नेक्स्ट हो गया ना ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम? नहीं, दो अलग अलग बैंक है ना, क्योंकि एक ही बैंक में ओडी और वो नहीं हो सकता। ठीक है हाँ बोलो, सबसे पहला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, एसेट की एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक अभी कहां में है? नहीं वो तो ठीक है, दो इफेक्ट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। अभी यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है? परचेज में है, तो क्लोजिंग स्टॉक को एसेट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? परचेज को लेस करो या उल्टा साइड में दिखाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 30,000 दिखाएंगे तब जाके आई कैन शो इट एज
ठीक है ना, हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक हटाते ही, कैरी फॉरवर्ड करते ही परचेस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा किसके साथ, सेल्स के साथ, परचेज एक्सपेंस मैच हो जाएगा सेल्स के साथ। तो यूनिट मैच करने का बात हो रहा है कि वैल्यू, यूनिट समझ में आ रहा है, वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट होगा ही क्योंकि परचेज होता है परचेज प्राइस पे, सेल होता है प्रॉफिट ऐड करने के बाद, राइट समझ में आ रहा है मेरा बात। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताओ, जल्दी बताओ, एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक अभी कहाँ इंक्लूडेड है, परचेज में, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, परचेज से लेस करके कैरी फॉरवर्ड। तो जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, परचेस मैच हो जाता है, इक्वल नहीं, परचेस मैच हो जाएगा किसके साथ, यूनिट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 10%, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब बेनिफिट डिराइव्ड और नॉट डिराइव्ड, डिराइव्ड तो पहला बात तो एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, हाँ या ना, एसेट का वैल्यू 45 हो जाएगा। अब जो बेनिफिट जो डिराइव किया उसको कहां दिखाएंगे, पीएल में एक्सपेंस बोल के दिखाएंगे ना, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट डिराइव्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, बीडी इन एपी, क्या बेनिफिट डिराइव्ड इन, तो जितना बेनिफिट डिराइव कर लिया उसको खर्चा बोल के दिखाएगा, समझ में आ गया। तो डेप्रिसिएशन मतलब बेनिफिट डिराइव, तो एसेट का वैल्यू कम होगा और दूसरा फिर उसको एक्सपेंस बोल के दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रीपेड मतलब बेनिफिट डिराइव्ड और येट टू बी डिराइव्ड ना, प्रीपेड मतलब बेनिफिट डिराइव करना बाकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही है, तो क्या करेंगे, यहां से लेस करके या उल्टा साइड में दिखाओ कितना, 40,000 है बेटा, तो लेस कर दिया और उसको फिर प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बोल के दिखा देंगे, समझ में आया मेरा बात। हाँ, बेनिफिट येट टू बी डिराइव, तो एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करो अगले साल, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हटाना पड़ेगा, तब ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जैसे हम कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो ये 1,20,000 आया, हाँ या ना, ये किसके साथ मैच हो गया है, टाइम के साथ, क्योंकि इसका सेल्स के साथ कोई नाता नहीं है, फिक्स्ड होगा तो टाइम के साथ मैच हो गया, राइट समझ में आ रहा है। प्रीपेड कब आएगा, जब आप 12 महीने का खर्चा का पेमेंट देते हैं कि 12 महीने से ज्यादा का देते हैं, ज्यादा पेमेंट करेंगे तब ना प्रीपेड आएगा बेनिफिट, क्योंकि बाद में मिलेगा उसका, तो उसको लेस करके कैरी फॉरवर्ड किया, वही तो है, तो ठीक है। तो जैसे लेस करते तो ये 12 महीने का आ जाता है, मैच हो गया, ठीक है ना, टाइम के साथ। उसके बाद अक्रूड रेंट, अर्नड या अनअर्नड, अक्रूड मतलब अर्नड, कमा लिया बट, तो इनकम दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, तो ऐड करो, अब पैसा मिल गया कि नहीं मिला, तो अक्रूड रेंट एसेट बोल के दिखाएंगे, तभी तो दिखा रहा। आज डेटर का क्रेडिट सेल तुम नहीं दिखाती हो बुक्स में, पैसा तो मिला नहीं है तो सेल दिखाती हो ना। अनर्नड हो गया प्री रिसीव्ड, हाँ वो यहां से लेस करके लायबिलिटी में दिखाएंगे, और ये अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, और वो रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है तो। हाँ, एक्रूड मतलब अर्नड, कमा लिया, कमा लिया तो इनकम दिखाओ, मिल गया क्या, हाँ सर, अगर मिल गया होता ना तो ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव 5,000 नहीं होता, कितना होता, 7,000, और बैंक बैलेंस 25,000 नहीं होता, कितना होता, 27,000, क्योंकि रिसीव होगा तो बैंक में भी तो ऐड आएगा ना, बट मिला नहीं है बोल के इनकम में तो ऐड कर दिया, मिला नहीं है बोल के पच्चीस प्लस दो, ठीक है। अगर मिल गया होता ये 2,000 तो रेंट रिसीव ट्रायल बैलेंस में कितना होता, रेंट रिसीव्ड 7,000, 5 + 2, और बैंक बैलेंस कितना होता 27,000, क्योंकि मिला नहीं है बोल के इसलिए रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो पहले इनकम दिखाओ, मिला है कि मिलेगा, तो इसलिए एसेट बोल के दिखाएंगे, एक्रूड रेंट, डन। तब तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है, क्यों दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस वाला क्यों दिखाएंगे, वो तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है, उसका तो एक ही जगह इफेक्ट आएगा, समझ गई है। परचेस का फिगर को नेट बाहर लिख दो,
सेल का फिगर को नेट बाहर लिख दो, बोलो नेट प्रॉफिट कितना है। प्रीपेड, प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, दे देगा बेटा, क्यों नहीं देगा। कितना रहा नेट प्रॉफिट, लॉस आएगा, सॉरी अरे हाँ नेट लॉस कितना आ रहा है। तो लेस होगा नेट लॉस, तो कैपिटल कितना आएगा 72,000, तो बैलेंस शीट आएगा 142, 142। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे घर में और सम्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।